हेलो एंड वेलकम बैक टू टैप मेनिया वंस अगेन गाइस। तो आज मैंने परचेस कर लिया है एक एक्शन कैमरा, जिससे स्टार्ट करने वाले हैं हम मोटो व्लॉगिंग आने वाले दिनों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो कैमरा परचेस किया है वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, और उसके साथ कुछ सैम्पल फुटेज भी दिखाऊंगा। मगर पूरी वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये एक्शन कैमरा इस कंपनी का है, मुझे कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट इंप्रेशन, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मगर उसके लिए पूरा वीडियो को आप लोगों को देखना पड़ेगा, और बने रहिए एंड तक। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। और कोई भी आप लोगों के क्वेरी हो या फिर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। सो हियर इज़ द बॉक्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड आई जस्ट गॉट इट डिलीवर टुडे इटसेल्फ। लेट मी जस्ट या दैट्स द बॉक्स that got delivered to me. So चालू करते हैं हम लोगों का ट्रेडिशनल अनबॉक्सिंग मेथड with this. So let's cut the box first. So ये इस तरफ से तो कट चुका है, इस तरफ से भी खुल गया। तो ये है बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स के अंदर हम लोगों को मिल जाता है इनवॉइस, जो कि है ये आ जाता है हम लोगों का कैमरा। सो सीक्रेट रिवील करने का टाइम जो है वो आ गया है ऑलरेडी। सो जो कैमरा है ये है हम लोगों का SJ Cam SJ6 लेजेंड। सो ये एक्शन कैमरा मैंने परचेस किया है, मगर बॉक्स के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ये कैमरा इधर उधर उथल पुथल होके रखा है, मगर बॉक्स जो है पूरा पूरी सील पैक है। तो बॉक्स में पहला जो इंप्रेशन है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट, 2 स्क्रीन फ्रंट एंड बैक, जायरो स्टेबिलाइजेशन 4K, उसके बाद 24 FPS का है, 2-inch टच स्क्रीन है, और यहाँ पे साइड पे जो जो माउंट्स वगैरह हम लोग को दिया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन है। चेक कर लेते हैं वीडियो रेजोल्यूशन क्या क्या मिलता है हम लोग को यहाँ पे। लेट मी फोकस। ओके, तो देख पा रहे ये सब वीडियो रेजोल्यूशन मिलता है। कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स, फिर से ले लेते हैं नाइफ जो हम लोगों का है ऑलरेडी। सो ये बॉक्स को जो है इस साइड से अनबॉक्स करना पड़ेगा। अनबॉक्सिंग हो गया है ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बॉक्स पैकेजिंग। सो लेट्स ओपन एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को मिलता है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को अभी भी ओपन करनी पड़ेगी। ओके, सो एक और बॉक्स गया साइड में, तो अभी ये है हमारा कैमरा फिलहाल। तो इस प्लास्टिक को हम रिमूव कर लेते हैं। सो दिस इज द कैमरा दैट यू कैन सी, देख लीजिए यहाँ पे बटन्स के लिए जगह है, ये वाटरप्रूफ केसिंग का लॉक ओपन करने का जगह है, ये आपका पीछे का बैक डोर, और अभी ये माउंट वगैरह अभी लगा हुआ है, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। बॉक्स के अंदर क्या-क्या है? और ये एक 3M का टेप लगा हुआ है, दो यहाँ पे माउंट्स, ये एक सर्कुलर माउंट्स मोस्ट प्रोबेबली, ये 360 माउंट है, घूमेगा पूरा, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ है, ये एक लेंस कैप दिया हुआ है। सो हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक रख लेते हैं। दिस इज अनदर केस
यूएसबी केबल, इसके बाद ये कुछ राउंड माउंट्स है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं कैमरा को। सो ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने इस कैमरा को अनबॉक्स कर लिया है ऑलरेडी, केस से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी प्लास्टिक्स लगा हुआ है, कवर्स वगैरह। तो कैमरा का मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साइड पे आपको पावर बटन और सेटिंग्स का बटन मिलता है, ऊपर में शूटिंग का बटन मिलता है। ये आपका 2 इंच का टच स्क्रीन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, और सामने एक और फ्रंट स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है आपको ये कैमरा। सो अभी मैं कर लेता हूँ पावर ऑन इस बटन को दबा के। जैसे ही ऑन होता है तो आपको SJCAM का ये सिंबल मिल जाता है, और कितना टाइम इस कैमरे को आप यूज़ किए हैं वो दिखाता रहता है यहाँ पे कंटिन्यूसली। और ये आपका है कैमरा। मैंने अभी तक मेमोरी कार्ड नहीं डाला है इसमें, बट फिर भी आप लोगों को कुछ सेटिंग्स के बारे में दिखा देता हूँ। वीडियो इस 4K 24 रेजोल्यूशन 4K 24 1080p 60 1080p 50 1030 25 30 FPS 4:3 और बहुत सारा मोड यहाँ पे दिया हुआ है। स्लो मोशन भी 120 FPS और VGA में 240 FPS का दिया हुआ है। बैक बटन को प्रेस करेंगे, लूप रिकॉर्डिंग, फील्ड ऑफ व्यू, बहुत सारा यहाँ पे लो लाइट मोड भी है, जायरो सेंसर है, ऑडियो वॉल्यूम सब कुछ दिया हुआ है, बिट रेट, शार्पनेस, ये सब सेटिंग्स आप लोगों को जो है मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस मेनू बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो लैब्स, स्लो रिकॉर्डिंग, स्टिल, फोटो लैब्स, बर्स्ट मोड, ये सब मोड आपको दिख जाता है। उसके अलावा वीडियो, फोटो, कार मोड और अंडर वाटर मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सब सेटिंग्स है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ फुटेजेस कैमरा माउंट करने के बाद डेफिनेटली रिकॉर्ड करके इस वीडियो में एंड पे मैं डाल दूंगा। तो काइंडली एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कैसा लग रहा है फुटेज। और SJCAM का जो ऐप भी है वो भी मैं डाउनलोड कर लूँगा फ़ोन पे, जिसके बदौलत मैं चेक करूँगा कि फ़ोन के साथ इस ऐप का पेयरिंग जो है वो कैसा है। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे आई एम गोना टेस्ट द वीडियो क्वालिटी ऑफ द SJCAM SJ6 लेजेंड दैट आई गॉट डिलीवर्ड यस्टरडे। सो टुडे इज द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस वन। So few things I would like to tell you, like on an average whenever anyone purchases an action camera at that point of time, the main video resolution that we everyone like to use, it is in 1080p at 60 frames per second, and that's the best resolution I believe we all like to see. So let this bomb blast pass off. I don't know how, I mean, what people want to prove by applying this kind of exhaust. Anyways, let's get back to our topic. So, one thing that I would like to highlight is that the 60 frames per second frame rate seems to be quite good for this camera. However, I would like to test the gyro stabilization, which is turned on right now. So I believe it will work really really well. However, whenever we get an output of the stabilized video, we will be able to understand that how stabilized is, how it stabilizes the videos, so, and shakes rather. So please let me know in the comment sections below how you like it, or what you did not like about the footage. That I would like to mention is that if you find any sort of distortion or jitterness, please don't forget to comment down below. And apart from that, आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं footage अच्छा आ रहा है, या फिर the price bracket जिस पे मैंने ये camera को purchase किया है, that is good. So that's very fine. Apart from that, there are a few more points that I would like to highlight. First of all, the camera is actually recording audio from that internal mic. I have not attached any external mic because
SJCAM SJ6 Legend only works with the SJCAM dedicated mic, not with any other aftermarket mic. So that's the main cons. The camera is inside the waterproof case right now, so I don't know how the audio is coming. So please let me know whether the audio from the which is getting recorded inside the waterproof case is actually bearable or not. If it is bearable, then I'll try to wait for some time to get that mic, because in this pandemic situation it's very tricky to manage all the purchase that we I hope you guys have watched my entire video, so don't forget to give it a like, share, subscribe if you like my videos, and also whatever your thoughts are regarding the footage, please don't forget to comment down so that I get more inspiration to make such videos, and which will be more informative. But before that, I would like to highlight one simple thing, because I said that this is the first vlogging camera of our channel. It's not entirely true, because I ordered another camera a few days back and it got delivered to me, which I had to return it just because of a major issue, because the camera was from a Campark brand. I don't want to defame any brand, but the main issue was with that camera regarding the stabilization is a much bigger part, which that camera did not have at all. But that camera costed me around 8,000, and I cannot expect a stabilized video on that price tag. However, the camera was not even recording. I understand that there might be some difference according to the price in terms of the quality of the video. But if the camera does not even record, that becomes a very big challenge, and money is supposed to get wasted at totally. So that's the reason I had to return that camera, and I have been I have already got the refund because I got the what it ordered from Amazon, and I had to return that camera totally. But in this case, this SD cam, I believe it's recording and working properly fine. So that's all about this video, and I would suggest, because SJCAM is a reputed brand, and I think you should get support from the company if you get any such of manufacturing issues or any technical issues in terms of the camera functioning. So I believe that SJCAM should support us, because they have been delivering a good experience in a budget oriented action camera range. So I thought it would be a good experience with this camera going forward for me too as well. However, if I face any sort of issues, I'll definitely let you know, guys, because it's just a one day and I cannot comment on any sort of performance or any sort of issues that I haven't yet faced. But let's see. But one thing that I already told you, that SJCAM SJ6 Legend only supports the SJCAM mic, not the any other third party mic. So that becomes a con for this camera. However, the price tag that it comes with, it's really really good, because in this price tag we are getting gyro stabilization, which is a good in terms of technical terms, but in the real world the output of the video will decide that how good the video is stabilized and how well they have just kept their words. So that's all from my side today. Please don't forget to check my description portion below, where I have mentioned the purchase link of the camera if you like the camera footages and if you would like to start motor vlogging going forward. And apart from that, I have mentioned the links of some few other items like extra battery packs and the external mic for SJCAM in my description portion. So don't forget to check those links if you like that items. Along with this camera, then you can definitely go ahead for extra battery backups and for good quality audio as well. So that's all from my side today, and hope you enjoyed my video. And then stay safe, stay healthy, and also don't forget to wear mask.
keep everyone safe and maintain a social distancing, and don't forget to wear a helmet, and don't forget to wear seat belts while driving. That's all from my side today. See ya. Ciao.